दोस्तों आज मैं जो हूँ लुधियाना आया हुआ हूँ और यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक स्कूटर देखने आया हूँ। तो मैं जो हूँ ओकाया के शोरूम में पहुँचा हूँ, तो ओकाया शोरूम के सामने खड़ा हूँ। जो ये शोरूम का नाम है जिंदल ऑटोज, तो आप देख सकते हैं यही शोरूम है। तो चलिए इसके अंदर चलते और देखते हैं कि यहाँ पर स्कूटर कैसे है, और कोई एक मॉडल सिलेक्ट करके उसकी जो खासियत है वो भी देखेंगे। तो दोस्तों जिस इलेक्ट्रिक स्कूटर की बात हम कर रहे थे, ये देखिए, ये ओकाया की तरफ से आने वाला है। इसका नाम है एवियोनिक 150 प्लस। तो देखिए आप इसको दिखा देते, आपको लुक दिखा देते कैसे, और इसकी बिल्ड क्वालिटी वगैरह आपको जो है दिखा देते हैं। तो सबसे पहले फ्रंट से शुरू करते हैं आगे से। तो सामने आपको देखिए LED लाइट दिख जाएगी और साथ में इसमें DRL भी है। तो ये देखिए साइड में जो बने हुए हैं, और इसकी देखिए क्वालिटी आप सुन सकते हैं कैसी है। तो ठीक है, जैसे ये बेसिक मॉडल है उस हिसाब से ये अकॉर्डिंग टू प्राइस बिल्कुल सही है मॉडल। तो कंपनी के बारे में बता देता हूँ आपको, ओकाया का नाम आप सभी ने सुना ही होगा। ओकाया जो कि मतलब बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में जो है बिल्कुल नाम चलता है उनका। तो सिर्फ बैटरी में ही नहीं, ये जो है सॉफ्टवेयर में भी आ चुके हैं। 19 साल से ज़्यादा हो चुके हैं सॉफ्टवेयर में भी, और 35 साल से ऊपर तो इनको बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में हो चुका है। तो अब ये देखिए इनका जो है इलेक्ट्रिक स्कूटर आ चुका है। तो ये भी जो है इलेक्ट्रिक स्कूटर में पूरा जो है कंपटीशन दे सकते हैं, जो मार्केट में इनका भी नाम चलेगा अभी ओकाया का। दोस्तों इस स्कूटर में जो है 250 वाट का जो है BLDC मोटर है। इस स्कूटर की स्पीड है 25 से लेके 30 किलोमीटर तक की, और जो है हम इसका स्पीड भी टेस्ट करेंगे, चला के देखेंगे वाकई इसमें कितनी स्पीड आती है। और इसमें बैटरी की बात करें तो इसमें 48 वोल्ट की लिथियम बैटरी है, जो कि लिथियम बैटरी बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली बैटरी है, और इसकी बैटरी जो है 3 से 4 घंटे में जो है चार्ज हो जाती है। तो आप बैटरी में आपको दिखा देता हूँ, और इसका जो बूट स्पेस वगैरह भी हम जो है स्कूटर में देख लेते हैं। तो इसको खोलने के लिए देखिए ये चाबी का ही इस्तेमाल किया जाता है, तो इससे हम खोल रहे हैं। तो ये देखिए सामने है, तो बैटरी हम देख लेते हैं इसमें कैसी है। तो ये देखिए यहाँ पर बैटरी है, और इस ये जो है डिटैचेबल बैटरी है, इसको हम जो है निकाल के इसको ले जाकर जो है चार्ज कर सकते हैं, और या तो यहीं से इस बैटरी को हम चार्ज कर सकते हैं। इसको चार्ज करने के लिए देखिए यहाँ पर जो है चार्जिंग का बना हुआ है, तो यहाँ से देखिए चार्जर लगा सकते हैं यहाँ पर अपना, और यहीं पर देखिए बैटरी में ही जो है हम देख सकते हैं कुछ क्या क्या मतलब पता लगेगा। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, ये दिखा रहा है कि लोड कितनी बैटरी जो है लोड ले रही है। ये इस टाइम 0 दिखा रहा है क्योंकि स्कूटर हमने अभी ऑन नहीं किया है, स्टार्ट नहीं किया है। तो उसके अलावा देखिए इसको फिर दबाएंगे तो ये देखिए बैटरी इसमें जो है 90% बैटरी अभी आ रही है। इसको फिर हमने दबाया तो ये देखिए 18 की कितने वोल्ट की बैटरी है ये। अब देखिए चार्ज, क्योंकि चार्ज पे नहीं लगाया इसलिए कुछ भी ये नहीं दिखा रहा है। अगर चार्जिंग पे लगाया होता तो यहाँ पर जो है ये कुछ नंबर बदला हुआ होता। तो जैसे कि हम कहीं लंबे समय के लिए स्कूटर का प्रयोग नहीं कर रहे, तो उस टाइम में हम देखिए ये MCV को ऑफ कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल इससे क्या होगा कि आपका जो स्कूटर है वो सुरक्षित रहेगा। और इसमें देखिए आगे भी कुछ सामान वगैरह जो है यहाँ पर आप रख सकते हैं, और यहाँ पर देखिए कुछ टांगना हो तो वो भी टांग सकते हैं सामान वगैरह रखने के लिए। और साथ में यहाँ पर देखिए ये USB पर जो है मोबाइल वगैरह भी चार्ज कर सकते हैं। अब देख लेते हैं, स्टार्ट करके देख लेते हैं स्पीड वगैरह कितनी आती है।
दोस्तों इसमें जो स्कूटर में हम मोड भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए 1, 2, 3 है। तो यहाँ से आप जो है अगर 3 में करेंगे तो हाईएस्ट स्पीड में जो है हम इसको चला पाएंगे। तो हम 1 से कर लेते हैं और इसकी स्पीड देखते हैं 1 में कितनी स्पीड आती है इसकी। तो ये देखिए 1 नंबर पे जो है इसकी 17 तक आ रही है। तो अब 2 में चलते हैं, 2 पे इसकी स्पीड देखते हैं, तो 2 पे ये जो है 22 तक है। अब ये हम 3 नंबर पे आ गए। अब देखिए इसकी जो हाईएस्ट स्पीड है वो आपके सामने आ जाएगी, तो ये जो है 29 तक इसकी हाईएस्ट स्पीड आई है। तो इसकी स्पीड लो होने का देखिए हमें इस चीज़ का फायदा है। तो ये जो स्कूटर है हमें जो इसकी कोई रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये जिंदल ऑटोज का नाम आया हुआ है जहाँ पर हम ये स्कूटर देखने आए हुए हैं। तो ये देखिए ये नंबर प्लेट लगा हुआ है, तो ये देखिए इसको जो है रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है। टायर की बात करें तो हम देखिए इसमें जो है 10 इंच के टायर लगे हुए हैं, और ये जो इसकी ये व्हील है स्टील व्हील है, तो लगते तो थोड़े अलॉय व्हील की तरह है पर ये स्टील व्हील है। अब इसके बटन्स वगैरह देख लेते हैं हम कैसे हैं, बटन वगैरह देख के चेक करते हैं क्वालिटी क्या है इसकी। तो ये देख, तो ये देखिए इंडिकेटर की साउंड है इसकी, तो आप लोगों को आवाज आ रही होगी कैसी है इसकी साउंड। दोस्तों इसके साथ देखिए इस स्कूटर के साथ जो है हमें ये एक रिमोट भी मिलेगा। तो इस रिमोट में एक बहुत अच्छा फीचर है, ये जो है एंटी थिफ्ट है स्कूटर, मतलब इसको कोई लेके नहीं जा सकता, ऐसे खींच के तो कोई लेके नहीं जाएगा क्योंकि इसके जो टायर होते हैं वो जाम हो जाते हैं। देखिए इसमें 3 बटन दिख रहे हैं, एक से आप इसको लॉक कर सकते हैं स्कूटर को, दूसरा से अनलॉक, और ये जो तीसरा बटन है यहाँ से आप जो है इसको स्टार्ट भी कर सकते हैं स्कूटर को। तो मिरर की क्वालिटी भी ठीक है, ठीक दिखता है, तो ऐसे नहीं कहेंगे कि नहीं है बुरा है, तो ठीक है अच्छी क्वालिटी है। तो पीछे जो है बिल्कुल सारा साफ दिख रहा है। तो हमारे साथ है यहाँ के शोरूम के स्टाफ है, तो ये इन मैम से पूछेंगे कि ये स्कूटर कितने का है और इसको लेने के लिए हमें क्या क्या देना पड़ेगा। तो मैम का नाम पहले पूछ ले, मैम आपका नाम पूजा। तो मैम ये स्कूटर कितने का है, इसका प्राइस आप बताएंगे? 66,000। तो इस स्कूटर को लेने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह की रिक्वायरमेंट होती है या नहीं? होती है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट, 2 फोटोग्राफ्स, पासपोर्ट साइज एंड एक रजिस्टर मोबाइल नंबर जो आपके आधार के साथ और आपके बैंक के साथ लिंक हो। तो बैंक स्टेटमेंट वगैरह तो अगर फाइनेंस कराना तब होगा, या कैश के लिए तो नहीं जरूरत है ना? कैश के लिए जस्ट आधार कार्ड ही होगा तो हो जाएगा। इसकी कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह तो नहीं होगी ना? इसकी रजिस्ट्रेशन ही होगी, जस्ट हम चलान और बिल बना के देंगे, बिकॉज अपने इस पे इसकी जो स्पीड है 30 लास्ट है, इसके लिए कोई आरसी और लाइसेंस मैंडेटरी नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही है, अगर आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं कि क्या वीडियो को और अच्छा करें, इम्प्रूव करें, तो आप जरूर कमेंट किए आप लिखिए, तो हम जो है उसमें इम्प्रूवमेंट करेंगे।